दुबई का वाहद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अरहान रेस्टोरेंट, जिसके माहौल और मुनफरिद खानों के चर्चे हैं। लोग दूर दूर से चिलमन बिरयानी, सतरंगी बिरयानी, बीफ बिहारी कढ़ाई और चनियोटी मटन खाने आते हैं। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बरवक्त देख सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपको बहुत ही खास जगह पर लेकर आया हूं, शेख जायद रोड दुबई के करीब तरीन एक ऐसा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसके एम्बियंस के बहुत ज्यादा चर्चे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी नेशनलिटी के लोग यहाँ पे पाकिस्तानी कोजीन के जो स्पेशल खाने हैं वो यहाँ पे खाने आते हैं। ये अरहान रेस्टोरेंट न्यू गार्डन सिटी सतवा एरिया और शेख जायद रोड के बिल्कुल करीब तरीन है और ये वाहद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है दुबई में, जिसका एम्बियंस बाकी तमाम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरहान रेस्टोरेंट के जो स्पेशल खाने हैं ना वो दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं। तो चले अंदर चलते हैं, यहाँ अरहान रेस्टोरेंट का आपको एम्बियंस भी मैं दिखाता हूँ और जानते हैं कि इसके खानों में ऐसी क्या खास बात है कि लोग दूर दूर से यहाँ पे पाकिस्तानी खाने खाने आते हैं। तो लें जी, हम पहुंच चुके हैं अरहान रेस्टोरेंट के हॉल में और ये वाहद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है दुबई में जिसके एम्बियंस के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ इस हॉल की हर दीवार पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र आएगी। जैसे ये वॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो फेमस पाकिस्तानी बिल्डिंग्स हैं वो दिखेंगी। जीसी यूनिवर्सिटी है, बादशाही मॉस्क है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के जो दरबार है मुल्तान में वो हैं और बाबे खैबर है। तो दूसरी तरफ आप वॉल पे आएंगे तो पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर और 1992 वर्ल्ड कप की याद दिलाती हुई ये तस्वीर, इस अजीम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान की पिक्चर्स भी यहाँ पे जो है वो लगाई गई है। उसके बाद पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की डिफरेंट सीनरीज जो हैं वो लगाई गई हैं। ये वो छोटा सा क्यूट सा बच्चा है अरहान, जिसके नाम पे ये रेस्टोरेंट है। इस वॉल पे भी आपको सही तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो नजर आएगी। तो चलें अब मिलते हैं अरहान रेस्टोरेंट की मैनेजर मिशाल से। मिशाल, अरहान रेस्टोरेंट कब ओपन किया और क्यों जरूरत पेश आई इसको ओपन करने की? ऑलमोस्ट एक साल हो गया है और अक्टूबर में 2022 इसकी ओपनिंग की थी हम लोगों ने। और क्यों इसको ओपन किया, इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हमारे जो ऑनर है वो भी अपनी फैमिली के साथ डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई करते थे, बट उनका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये इनिशिएटिव लिया जाए और एक ऐसा और एक ऐसा एक रेस्टोरेंट बनाया जाए जहाँ पे फैमिलीज अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, अच्छे फूड को जो है वो क्वालिटी फूड एंजॉय कर सकें। और मिशाल, अगर बात की जाए इसके एम्बियंस की, वो बड़ा डिफरेंट है। बहुत कम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिनका एम्बियंस इस तरह का होता है। तो इसके पीछे क्या है, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ की दीवारें? यहाँ पे जो है वो एम्बियंस की जहाँ तक बात है, ये पूरा जो जितना भी इंटीरियर है ये बेसिकली हम लोगों का इन हाउस है। हमारे जी जो ऑनर हैं वो ऑलरेडी एक इंटीरियर कंपनी रन करते हैं, सो ये उन्हीं की ऑल बाय हिज साइड। और जहाँ तक ये बात है वॉल पे जो पिक्चर्स लगी हैं, ये पूरा पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे हीरोज जो हैं और डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। या जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया है कि पाकिस्तानी कुजीन एक वाहद ऐसा कुजीन है जिसको पाकिस्तानियों से ज्यादा दूसरी नेशनलिटी के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। नो डाउट वो आते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमारे जो खाने हैं उनकी स्पेशलिटी ही यही है जो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं, वो यही है कि हमारी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। अगर अरहान रेस्टोरेंट के खानों की बात करें तो ऐसी क्या खास बात है और इनके पीछे की क्या कहानी है, क्यों लोग यहाँ पे दूर दूर से खास खाने खाने आते हैं?
वेल, जहाँ तक खानों की बात है तो हमारा जो ब्रेकफास्ट से मैं शुरू करना चाहूँगी, वहाँ हम लोग के पास हलवा पूड़ी सेट है और जिसमें पूड़ी, चना, आलू तरकारी और हलवे के साथ जो है हम उसको प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा मटन पुलाव है, फिर पाया मटन और बीफ में निहारी है, हलीम है, फिर मटन पुलाव और हमारी मटन चिकन में कढ़ाइयाँ हैं, फिर वैरायटी ऑफ बारबेक्यू, ये सब चीज़ें जो है बड़ी मकबूल हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं उनमें, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी नेशनैलिटीज़ में भी। फिर हम बड़ी स्पेशल आइटम्स में उनमें मैं आपको बताना चाहूँगी, चिलमन बिरयानी है। चिलमन बिरयानी नाम ही बहुत ही क्यूट सा है। मैं आपको ट्राई भी करवाऊँगी ताकि आपको आइडिया हो कि वो वाकई में यार पूरे दुबई में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वो वाहि चीज़ें हैं जो अभी मैं बताऊँगी आपको, जो आपको सिर्फ अरहान में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। ऑफकोर्स जिसमें हम लोग का चिकन बदामी है, फिर ग्रिल मखनी हांडी है, चिलमन बिरयानी हो गई, सतरंगी बिरयानी है और नौरतन है। नौरतन बेसिकली जो वेजिटेरियन हैं, जो वेज पसंद करते हैं, ये उनके लिए स्पेशली जो है वो डिज़ाइन की गई है। किचन का जो स्टाफ होता है उसी की बेस पे पूरा रेस्टोरेंट चल रहा होता है। तो किचन के जो माहिर शेफ हैं वो पाकिस्तानी हैं या किसी और नेशनलिटी के? ऑफ कोर्स पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और शेफ भी पाकिस्तानी है और बेसिकली सब मिक्स काइंड ऑफ प्लेट। यहाँ पे आपको लाहौरी भी मिलेंगे, यहाँ कराची के भी कुछ शेफ हैं जी, यहाँ पे हमारे जो हर स्पेसिफिक डिश को बनाने वाला शेफ भी माहिर है जी, बिल्कुल ऐसा ही। क्वालिटी बहुत मैटर करती जी, है जी। क्वालिटी को कैसे मैनेज करती हैं, हाइजीनिक का कैसे ख्याल रखती हैं जी? क्वालिटी की जहाँ तक बात है, हमारे इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हम लोग करते हैं, इस पे बहुत फोकस किया जाता है। उसके लिए हम लोग के पास जो सप्लायर्स हैं वो बड़े ही सर्टिफाइड उनको लिया जाता है और बहुत इस पे डिस्कशंस होती हैं। सो इसको बहुत कीनली मैं खुद भी मॉनिटर करती हूँ और जो हमारे ऑनर हैं वो भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारी क्वालिटी अपने स्टैंडर्ड से उसको नीचे नहीं आनी चाहिए। दूसरी नेशनलिटी के जब लोग आते हैं यहाँ पे आके खाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं? एग्जैक्टली बहुत एजाज ऐसा है कि पाकिस्तानियों से ज्यादा मुझे यहाँ उनसे फीडबैक मिलता है। आपका जो रेस्टोरेंट है शेख जायद रोड दुबई के बिल्कुल करीब है और वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं और खाना खाने के बाद मतलब उनका होता है कि बहुत अच्छी वाइब है और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके जाते हैं। और मैं वही बता रही थी आपको कि मुझे उनसे बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है। इस एरिया में भी रेट्स और हाई है, महंगा है, लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं, फैमिलीज हैं, वो अफोर्ड कर लेते हैं? ऑफ कोर्स, देखें जहाँ तक ये इसके एक्सपेंसेस की और ये इंटीरियर की बात है तो ये बिजनेस पर्पस के लिए तो है ही नहीं। ये बेसिकली उनको कैटर करना है, उन पाकिस्तानी फैमिलीज को, उन एशियंस को जो एक फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी फूड इंजॉय करना चाहते हैं एक अच्छे एनवायरमेंट में, अच्छी वाइब के साथ। बहुत इकोनॉमिकल है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। एक अगर इस हम एम्बियंस की बात करें तो उसमें बैठ के खाना एक अच्छा क्वालिटी फूड, तो उसके आगे फिर वो हमारी प्राइस जो है वो बहुत जस्टिफाइड। तो लें जी, अरहान रेस्टोरेंट के जो खास खाने हैं वो मेरी टेबल पर आ चुके हैं सामने, जिनमें आप चनियोटी, मटन चनियोटी है, उसके साथ साथ बीफ बिहारी कड़ाही है और ये ग्रिल मक्खनी हांडी, उसके साथ साथ बारबेक्यू प्लेटर है और ये चिलमिन बिरयानी, ये मैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा खा रहा हूँ और ये जो है वो खा के मैं आपको बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। उसके साथ साथ मटन पुलाव है और हम सब की फेवरेट, नाश्ते में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने आज तक हलवा पूरी ना खाई हो। तो इनकी हलवा पूरी मुझे थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। सबसे पहले नाश्ते से शुरू करते हैं और नाश्ते में हम सब की फेवरेट हलवा पूरी, ये वाओ। और इस हलवा पूरी के साथ ऑफ कोर्स हलवा और ये चने, उसके साथ साथ आलू की भुजिया कह सकते हैं, आलू की तरकारी कह सकते हैं आप, और ये अचार भी है इसके साथ। एक नवाला तो बनता है, जब एक पंजाबी हो और उसके सामने हलवा पूरी हो तो ये हो ही नहीं सकता कि वो हलवा पूरी ना खाए जी। कैसा लगा आपको, कैसा है हमारा हलवा पूरी? मैं एक नवाला और ले लूं? हाँ प्लीज।
एक और। अब देखने वालों को पता तो चल गया होगा कि इसका जायका वाओ किस लेवल का। ये हलवा बहुत डिफरेंट है, सो यमी, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। और वैसे भी मैंने कुछ अरसे के बाद जो है हलवा पूरी ट्राई किया, मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगी और कमाल टेस्ट। मेरा दिल तो कर रहा है कि ये मैं पूरा जो हलवा पूरी का सेट है मैं खत्म कर दूं, लेकिन बाकी इतने खाने पड़े हुए हैं कि मुझे उनका भी रिव्यू देना है। तो हलवा पूरी हम साइड पे करते हैं। आपका फेवरेट इन सब खानों में से कौन सा ऐसा खास डिश है जो आपकी फेवरेट है? अच्छा, जो मेरी फेवरेट है और जो मैं अभी चाहती हूँ कि आप वो हलवा पूरी के बाद ट्राई करें, वो ग्रिल मखनी हांडी है। ग्रिल मखनी हांडी ट्राई करें। और मखनी हांडी वैसे भी हांडी कोई भी हो मेरी फेवरेट है। ग्रिल मखनी हांडी, मखनी हांडी तो मैंने बहुत सुनी है ये, लेकिन ये ग्रिल मखनी हांडी डिफरेंट है। उसकी वजह शायद यही है कि ये जो चिकन पहले ग्रिल किया हुआ है ना, exactly. मतलब मैंने मोस्टली जो हांडीज खाई हैं वो शायद फ्रेश चिकन होता है या चिकन को उस ग्रेवी में या पहले फ्राई किया जाता है, एग्जैक्टली ऑयल में शायद फ्राई करके तो उसको बाद में स्पाइसी। हाँ, लेकिन ये वाली ग्रिल की हुई है, ये थोड़ी डिफरेंट है ये, और ये शायद पकी भी मक्खन में हुई है इसलिए इसका टेस्ट भी जो है वो मक्खन मक्खन मतलब बटर और जो क्रीम का मिक्सचर है और उसमें हम इसको जो है वो कुक करते हैं। अगर आप भी अरहान रेस्टोरेंट विजिट करते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ये जरूर ट्राई कीजिएगा एक दफा। आप ट्राई करें आप ये हमारा मटन चनियोटी। वाओ नाज़रीन, ये मटन चनियोटी जो है ना ये हम अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा है। मैं अपनी जिंदगी में कभी चनियोट तो नहीं गया, लेकिन ये चनियोटी मटन जो है वो मैं खा रहा हूँ और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने यहाँ पाकिस्तान के हर एरिया को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी हो, सो ये भी चनियोटी हाजिरी भी लग गई, उसी की भी हाजिरी लग गई है। ये आपको पूरे दुबई में कहीं नहीं मिलेगा। आपको जितनी भी आइटम्स अभी जब आप चिलमन बिरयानी ट्राई करेंगे तो वो भी पूरे दुबई में कहीं भी नहीं है सिवाय अरहान में। मटन चनियोटी जैसे इन्होंने कहा वाकई डिफरेंट है, और मैं भी लाइफ में पहली दफा खा रहा हूँ और दुबई में आज तक मैंने किसी रेस्टोरेंट पर ये डिश नहीं देखी। मीट इसका कैसा लगा आपको? इसका जो बहुत ही टेंडर, ये देखें, ये आपको मैं दिखाऊं, वाओ इतना सॉफ्ट टेंडर मीट है। और ये बेसिकली इसको ओवर नाइट जो है वो कुक किया जाता है, प्रॉपर एक उसका स्लो कुकिंग में ये बनता है और एक प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड है, स्पेशल इसके स्पाइसेस हैं जिससे ये इसको रेडी किया जाता है। और लग भी रहा है कि ये जी ये स्लो कुकिंग है, उसके टेस्ट में ही जो है वो आ रहा है जी। ये चनियोटी मटन आपको अरहान रेस्टोरेंट के अलावा पूरे यूएई में और कहीं नहीं मिलेगा जी। अब ट्राई करें हमारा बीफ बिहारी कढ़ाई। ये अरहान की अरहान के अलावा कहीं आपको अवेलेबल नहीं है ये। हाँ, क्या कमाल की डिफरेंट डिफरेंट डिशेज हैं। आपके नाम ही ऐसे क्यूट से हैं, डिफरेंट हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं है यहाँ पे दुबई में रहते हुए। तो ये बीफ बिहारी कढ़ाई, बीफ बिहारी कढ़ाई, नॉर्मल बीफ कढ़ाई तो हमने बहुत खाई है जी, ये बीफ बिहारी कढ़ाई। बेसिकली हम लोगों का मकसद यही है कि ऐसा फूड लेके आए जो थोड़ा सा हटके हो, जो अट्रैक्ट करे लोगों को उसके जायके के साथ। और इसमें भी स्मोकी टेस्ट आ रहा है, कुक करके स्मोक दिया गया और जिसकी वजह से स्मोकी टेस्ट की वजह से इसका जो टेस्ट है और डिफरेंट हो गया और ज़्यादा डेवलप हो गया। तो ये बीफ बिहारी कढ़ाई भी मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ और ये भी आपको अरहान रेस्टोरेंट के अलावा पूरे यूएई में और कहीं नहीं मिलेगा। चलें जी, अब अरहान रेस्टोरेंट का जो बारबेक्यू प्लेटर है वो ट्राई करते हैं। ये यकीनन मलाई बोटी है जी। और उसके साथ साथ चिकन सीख कबाब है, मटन सीख कबाब है, ये बिहारी है, बीफ बिहारी, ये भी बीफ बिहारी है जी, ये बीफ बिहारी है। हमारा जो बारबेक्यू प्लेटर का स्पेशल चीज है उसमें जो स्पाइसेस हैं वो बड़े वेल बैलेंस है, कोई भी उसको इजीली एंजॉय कर सकता है जी। तो कैसे लगा बारबेक्यू प्लेटर, कैसा लगा जी आपको? जबरदस्त, आउट क्लास, बहुत ही कमाल का है, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। आप बारबेक्यू प्लेटर भी आके यहाँ पे ट्राई कर सकते। अब आप ट्राई करने जा रहे हैं चिलमन बिरयानी। वाओ, ये इसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था
क्योंकि ये नाम ही ऐसा है बड़ा क्यूट सा, मुझे तो नाम ही बड़ा क्यूट लगा है. Exactly. और डिफरेंट नाम है, पहली दफा मैं खा रहा हूँ. इंशाल्लाह ट्राई भी. चिलमन बिरयानी, वाव. हैदराबादी बिरयानी, वो चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, बहुत सारी बिरयानी खाई है, लेकिन ये जो बिरयानी है ना, चिलमन बिरयानी, ये मैं पहली दफा खा रहा हूँ. वाव. अच्छा चिलमन हमारे पास, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करती चली जाऊँ, जो मटन में है वो चिलमन है हमारे पास अवेलेबल. और अच्छा। जो चिकन लवर हैं, जो चिकन बिरयानी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए हमारे पास सतरंगी है. सतरंगी, सतरंगी, सतरंगी. हाँ। बिरयानी चिकन है और ये मटन है. मटन है. एग्जैक्टली. लाजवाब, कमाल टेस्ट. ये वाकई ही चिलमन बिरयानी है. जिस तरह नाम है उस तरह वाकई ही इसका जो जायका है वो भी मुनफरिद है. मैंने अपनी लाइफ में ये इस तरह की बिरयानी पहली दफा खाई है. बहुत क्या कमाल का जायका था. तो मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, पूरे यूएई में आपको इस तरह की बिरयानी नहीं मिलेगी. यहाँ रहान रेस्टोरेंट पे आए और सिर्फ ये चिलमन बिरयानी ऑर्डर करें तो यकीनन आप जो है वो एक दफा खाएंगे मेरे कहने पे, लेकिन बार बार आप खुद ही आएंगे. मटन पुलाव भी टेस्ट कर लेते हैं. ये तो हमारा बेस्ट सेलर है जी. अच्छा, ये तो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो दूसरी नेशनलिटीज हैं वो बहुत लाइक करती हैं, क्योंकि इसके स्पाइस जो है वो जैसे दूसरे खानों में भी मॉडरेट है, इसमें भी बहुत वेल बैलेंस स्पाइसेस हैं. आपकी हमोशी बता रही है कि टेस्ट लाजवाब है. मैं नहीं बोलना कुछ भी, मुझे खा लेने दे, पहले फिनिश कर लेने. इसके एक एक नवाले में, चावल के एक एक दाने में आपको टेस्ट मिलेगा. और बाकी मटन पुलाव की इन्होंने बात की, मैंने कि आम सा जिस तरह का डिफरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थे और अब तो बहुत सारे जी, जो पब्लिक किचन है exactly. उनके भी ये मिलता है, लेकिन ये क्वालिटी है. बहुत शुक्रिया. क्वालिटी तो है, क्वालिटी में ही हम लोगों का जो राइस की बात करें और जो टेस्ट था मटन का, जो मीट का जो टेस्ट, क्या कमाल है, लाजवाब. बहुत डिफरेंट टेस्ट है. मटन पुलाव भी आप यहाँ पे आके ट्राई जरूर कर सकते हैं. चिलमन बिरयानी, बीफ बिहारी कढ़ाही, बारबेक्यू प्लेटर और डिफरेंट तरह के अरहान रेस्टोरेंट के खाने हैं, वो खाने के बाद मीठा ना हो ये हो नहीं सकता. तो यहाँ पे मीठे में मिल्क केक है और उसके साथ साथ खीर भी यहाँ पे आपको मिल सकती है. तो इतने मज़े मज़े के डिफरेंट खानों के बाद आप मीठे में मिल्क केक या खीर भी ले सकते हैं. तो यकीनन आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें. और अगर आप दुबई में रहते हैं या दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो सतवा न्यू गार्डन सिटी एरिया में यहां आकर अरहान रेस्टोरेंट पर खाना खाएं, आपको यकीनन मजा आएगा. अपना बहुत ख्याल रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा आज हम लोग यहाँ आए हैं अरहान में और माशाल्लाह लाइक एवरी टाइम वी वर नॉट डिसअपॉइंटेड. और वेरी बेहतरीन जायका है, खाने की मजा आती है, वेदर इज स्टार्टर्स और द मेन कोर्स या तो इनका जो डिजर्ट वगैरह सारा. And yes, by all means, I can vouch. This is the food is very nice, the ambience and everything. ये यहाँ पे है, ये the service was very nice. So yes, had thoroughly enjoyed. The food was amazing as usual. I specifically come here for the Rashmi kebab because it's so soft and it's not spicy at all. The thing with me is I can't have spicy food as much. And Arhan really caters towards me. They make it according to my liking. They really accommodate for my spice tolerance, which I know I'm Pakistani, but I can't have that much spice. But they really, really look after me here. I love it.